रेस्टोरेंट स्टाइल मटन बिरयानी। नो, रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी चटपटी मटन बिरयानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतीफा और आप देख रहे हैं कुक विद अतीफा। आज हम बनाएंगे रेस्टो होटल ढाबा से भी ज्यादा अच्छी मटन बिरयानी, और वो भी बिना किसी टेंशन के। पानी कितना डालना है, नमक कितना डालना है, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए और लाजवाब बिरयानी का लुत्फ उठाइए। सबसे पहले आप आधा किलो चावल ले लीजिए और उसे 4 से 5 बार अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए। वेट में तो ये चावल आधा किलो है, लेकिन अगर इस ग्लास से मेजर करें तो ये 3 ग्लास चावल है, और इसी ग्लास से 3 ग्लास का डबल पानी हुआ 6 ग्लास पानी। अगर आप भगोने में बिरयानी बनाओगे तो 6 ग्लास पानी से 1 ग्लास पानी कम कर देंगे, टोटल 5 ग्लास पानी हम बिरयानी में ऐड करेंगे। और अगर आप कुकर में बना रहे हो तो 6 ग्लास में से 2 ग्लास पानी माइनस कर देंगे, टोटल 4 ग्लास पानी हम बिरयानी में ऐड करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बिरयानी बनाऊंगी, इसलिए मैं 4 ग्लास पानी लूंगी और उसी 4 ग्लास पानी से यखनी रेडी करूंगी। ओके फ्रेंड्स, पानी कितना रखना है, कितना नहीं रखना, ये झंझट तो आपका खत्म हुआ। लेकिन एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आप जिस भी ग्लास से मेजर करें, आधा किलो चावल पर आपका 3 ग्लास ही आना चाहिए, क्योंकि आपका ग्लास बड़ा हुआ और एक ही ग्लास में आपके चावल आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पानी डबल से कितना कम रखना है। इसीलिए जो मेरे गिलास का साइज है, आप लगभग इसी के साइज का कोई गिलास या कप ले लीजिएगा। सबसे पहले हम यखनी रेडी करेंगे, इसलिए जो यखनी में मसाले हम ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं। 3 तेजपात मैं ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ा सा जायफल, 15 काली मिर्च, 15 कबाब चीनी, 1 जावित्री का फूल, 1 स्मॉल साइज की प्याज जो वेट में 50 ग्राम है, प्याज को 2 पीस में कट कर लीजिएगा, थोड़ा छालचबीला, ये इजीली ही आपको पंचाली के यहाँ मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। 1 मीडियम साइज का लहसुन, 2 टीस्पून नमक हम यखनी में ऐड करेंगे और बाकी 1.5 टीस्पून बिरयानी बनाते टाइम ऐड करेंगे। जिस ग्लास से मैंने चावल मेजर किए थे उसी ग्लास से 4 ग्लास पानी ले लिया है, अब इसमें हम यखनी के सभी मसाले ऐड कर देते हैं। आधा किलो मटन, अगर आप मटन की जगह मीट लेना चाहते हैं तो मीट ले लीजिएगा। 1 पर सीटी भर जाने के बाद गैस स्लो कर दीजिएगा और स्लो गैस पर 10 मिनट तक कुक कर दीजिएगा। इतने हमारी यखनी बन रही है तो हम बिरयानी के मसाले देख लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 15 काली मिर्च, 15 कबाब चीनी, 1 जावित्री का फूल, 3 दालचीनी के पीस, थोड़ा सा जायफल, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आप स्मॉल साइज की प्याज को मैंने कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर को भी मैंने कट कर लिया है, आधा नींबू ऐड करने से हमारी बिरयानी खिली खिली बनेगी, 10 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। गैस ऑफ करने के बाद कुकर में जो प्रेशर था उसको मैंने खुद से ही रिलीज हो जाने दिया है। अब हम कुकर को खोल कर देख लेते हैं। मटन तो हमारा टेंडर हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से मटन के पीस अलग कर लेंगे और जो बाकी का पानी बचेगा आप उसको फेंकिएगा मत, हम उसको बिरयानी में ऐड करेंगे, इसलिए आप उसको छलनी से छान लीजिएगा। छानने के बाद अगर आप गिलास से मेजर करोगे तो ये पानी 4 ग्लास ही होगा, और बाई चांस अगर ये पानी आपका 4 ग्लास से कम हो तो आप उसमें सादा पानी ऐड कर उसको 4 ग्लास कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, 50 ml रिफाइंड ऑयल। अब गरम तेल में प्याज और सभी खड़े मसाले ऐड कर दीजिए। अब इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। लहसुन अदरक ऐड कर दीजिए और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। टमाटर ऐड कर दीजिए। अब इसमें मटन ऐड कर दीजिए, 2 बड़े चम्मच दही,
एक बड़ा चम्मच आम का अचार। अगर आम के अचार की जगह आप हरी मिर्च का अचार ऐड करना चाहते हैं तो हरी मिर्च का अचार ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें यखनी वाला 4 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। नींबू ऐड कर दीजिए। हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अगर आपको बिरयानी ज्यादा चटपटी अच्छी लगती है तो आप हरी मिर्च प्याज डालने के बाद ही ऐड कर दीजिएगा। 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा तब हम चावल ऐड करेंगे। उबाल आ गया है, चावल को भी भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। अगर आधा घंटे से ऊपर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेक श्योर कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब कुकर में 1 सीटी आ जाए तब आप गैस ऑफ कर दीजिएगा और गैस ऑफ करने के ठीक 5 मिनट बाद जितना भी प्रेशर कुकर में रहेगा उसको आपको रिलीज करना होगा। 1 सीटी लेने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था, 5 मिनट भी हो गए हैं। अब आप कुकर का सभी प्रेशर निकाल दीजिए। अब आप बिरयानी को स्पून की हेल्प से किनारों से थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए। मैंने 1/4 कप दूध में ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, इसको बिरयानी में डाल दीजिए। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज को गोल्डन फ्राई कर देते हैं। इसको जब हम बिरयानी पर डालते हैं तो बिरयानी में बहुत ही अच्छी स्मेल आ जाती है। बस इसको हम बिरयानी पर डाल देते हैं। आप इसको लिड लगाकर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 मिनट हो गए हैं, बिरयानी को हम देख लेते हैं। लाजवाब बिरयानी रेडी है। गर्मा गर्म बिरयानी को हम एक डिश में सर्व कर लेते हैं। लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, चटपटी मटर बिरयानी बनकर रेडी है। अगर आप बिरयानी के साथ मिक्स वेज रायता या खीरा रायता सर्व करना चाहते हैं तो रायते की वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी लतीफा को सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है, और पास ही बेल आइकन है उसको भी ऑल पर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें।